बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। ठीक, आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। गणेश जी की बहुत आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण पिया, प्राण प्रियतम प्राणेश्वर की कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साहब जी क्या कह रहे हैं, श्री बीतक साहब में ब्रज की बातें सुनते पानी झरत है नैन। कल भी नैनों से पानी झरने की, जल झरने की ही बात आई, और ब्रज की बातें सुनते हमारे हृदय में ब्रज की बातें सुनकर कभी पानी झरता है सुंदर साहब जी हमारे नैनों से भी। तब श्री देवचंद्र जी कहया, क्यों रहे तन सुनते बैन। ये बातें सुनकर ये तन यहाँ क्यों रह जाता है, यानी कि इसका क्या सुंदर भावार्थ स्वामी जी ने किया हुआ है वो हम सब सुंदर साथ देखेंगे, उनको अच्छे से श्रवण करेंगे सुंदर साथ जी। पर श्रवण करते करते बहुत समय बीत गया, अब दिल में उतार कर रहने लगेंगे, वैसे ही रहनी में हम भी आएंगे। आज day 49 सुंदर साथ जी, कल 50वां दिन है हमारी श्री प्यारी बीतक साहब का। आइए चलते हैं, अति सुंदर वाणी गायन आज कर रहे हैं हमारे कृष्णा दीदी, कृष्णा भल्ला जी और जोगिंदर जी वाणी गायन के लिए तैयार रहेंगे। प्रणाम जी और शांति देवी जी अति सुंदर अर्जी गायन। प्रणाम जी कृष्णा जी, प्रणाम जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, मेरे धाम के धनी की जय, सब सुंदर साथ की जय। मुझे कुछ आता नहीं है, मेरा गला भी थोड़ा सा है, पर जो राजी बोलेंगे। आँखा खोल तू अपनी निरख धनी श्री धाम। बहुत समय हो गया, अब हमें श्याम सुंदर जी के चरणों में रहना हर पल। तो कहते हैं, आँखा खोल तू आपी अपनी, आँखा खोल तू आपी अपनी, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम, आँखा खोल तू आपे अपनी, ले खुशवास याद कर, ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम का, बांध गोली प्रेम का, आँखा खोल तू आपे अपनी, आँखा खोल तू आपे अपनी, प्रेम प्याला भर भर पियो, प्रेम प्याला भर भर पियो, त्रिलोकी चाक छकाओ, त्रिलोकी चाक छकाओ, 14 भवन में करूं उजाला, 14 भवन में करूं जाला, होड़ ब्रह्मंड
पीऊ पास जाऊं होड़ ब्रह्मांड पीऊ पास जाऊं। आँखा खोल तू आपे अपनी, आँखा खोल तू आपे अपनी, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम। खोले आँखा तो, खोले आँखा तो हो सब चेत, खोले आँखा तो हो सब चेत, पहचान पियू चित ल्याए, पहचान पियू चित ल्याए, ले गुण तो हो सन्मुख, ले गुण तो हो सन्मुख, देख पर्दा उड़ाए, देख पर्दा उड़ाए। आँखा खोल तो आपे अपनी, आँखा खोल तो आपे अपनी, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम। धिक धिक पढ़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पढ़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पढ़ो मेरी देह, धिक धिक पढ़ो मेरी देह। श्री श्याम सुंदर पर छोड़ के, श्याम सुंदर वर छोड़ के, संसार सो कियो स्नेह, संसार सो कियो स्नेह। श्याम सुंदर वर छोड़ के, श्याम सुंदर वर छोड़ के, संसार से कियो स्नेह, संसार से कियो स्नेह। आँखा खोल तू आपे अपनी, आँखा खोल तू आपे अपनी, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम। धिक धिक पढ़ो मेरे सब अंगों, धिक धिक पढ़ो मेरे सब अंगों, जो ना आए धनी के काम, जो ना आए धनी के काम, बिना पहचाने डारे उल्टे, बिना पहचाने डारे उल्टे, ना पाए धनी श्री धाम, ना पाए धनी श्री धाम, ना पाए धनी श्री धाम। आँखा खोल तू आपे अपनी, आँखा खोल तू आपे अपनी, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, तुम तुम्हारे गुण ना
छोड़े मैं बहुत करी दुष्टाई, मैं बहुत करी दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति नीचे, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई, पर तुम राखी मूल सगाई, पर तुम राखी मूल सगाई, आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम, ले खुशवास याद कर, ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम काम, बांध गोली प्रेम काम, बांध गोली प्रेम काम, आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु प्यारे की जय। नाम जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर बहुत मीठा, आपके चरणों में ये प्रबोधित करने के लिए, बार बार याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति मीठा प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, जो जो सुंदर साथ श्री वाणी गायन में या फिर अर्जी में नाम लिखवा चुके हैं, उनका नाम लिखा जा चुका है, जैसे ही उनकी बारी आएगी उनको कॉल कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे प्यारे जोगिंदर जी कपूरथला से। आपको याद है ना उनकी इंट्रोडक्शन कैसे हुई थी हमारे साथ, प्रणाम जी। जैसे बीतक के पात्र जो सुंदर साथ है उनको नहीं भूलना, हम सब सुंदर साथ में जो जो घटना विशेष है ना उनको भी नहीं भूलना। प्रणाम जी जोगिंदर भैया, प्रणाम जी आपके चरण, प्रणाम जी। आपका कैमरा भी ऑन कर लीजिए यदि हो सके, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु आज की कहूँ मेरे पियो जी के, कहूँ मेरे पियो जी, जो हम सो किए अनेक जी के, कहूँ मेरे पियो जी, ए बुद्ध इन आकार की क्यों कहूँ जुबां विवेक जी, कहूँ मेरे पियो जी, कहूँ मेरे पियो जी, कई विध विध के सुख धाम के हमको दिए, इत
जी कहि विध विध के सुख धाम के हमको दिए इत जी तारतम करके रोशनी तारतम करके रोशनी कई विध करी प्रात जी के कहूं मेरे पियो जी मेरे पियो जी सहजल सुख में झीलते काम दुख ना सुनिया नाम जी सहजल सुख में झीलते ना सुनिया नाम जी सो माया में इत आए के सो माया में इत आए के सुख अखंड दिखाया धाम जी कहूं मेरे पियो जी कहूं मेरे पियो जी कहे इंद्रावती अति उच्चर हमको लाड लड़ाए जी कहे इंद्रावती अति उच्चर हमको लाड लड़ाए जी निर्मल नेत्र किए जो आत्म के निर्मल नेत्र किए जो आत्म के पर दे दिए उड़ाए जी कहूं मेरे पियो जी कहूं मेरे पियो जी आप पहचान कराइया लैया अपने पास जगाए जी आप पहचान कराइया लैया अपने पास जगाए जी बड़ी बड़ाई दई आप के बड़ी बड़ाई दई आप के लैंद्रावती कंठ लगाए जी कहूं मेरे पियो जी कहूं मेरे पियो जी जो हम सो पिए अनेक जी कहूं मेरे पियो जी कहूं मेरे पियो जी कहूं मेरे पियो जी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। भैया धनी के गुणों की याद दिलाकर क्या आपे न्योछावर कर दिया जाए, इतना सुंदर इतना मीठा आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। यदि हो सके तो बार बार आप एक और वाणी गायन तैयार कर लीजिएगा, ताकि जल्दी ही हम सबको फिर से मौका मिले आपके मधुर कंठ से ये आनंद लेने का। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुंदर साहब जी, मुझे लगता है कि तन से जो पुरुष सुंदर साथ हैं गायन में बहुत कम है, पर जितने भी हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। मुझे लगता है कि वो परफेक्ट होने के बाद ही आना, ऐसा गायन करना वो करते हैं धनी की मेहर से आप सबके चरणों में। और स्त्री तन के देखो कहाँ कहाँ सेवा में आ गए हैं, बिल्कुल हम भी गाएंगे, हम भी तो ऐसे ही सारे सुंदर साथ। मुकेश भैया आप भी एक वाणी गायन और तैयार कर लीजिए, ऐसे ही सारे सुंदर साथ। बच्चों के नाम अभी तक नहीं आए हैं, तो जो जो बच्चे कुछ भी सुंदर साथ जी गाना जरूरी नहीं है, श्री तारतम बोले, सेवा पूजा में यदि बच्चों को इजी लगता हो वो बोले, जैसे उनकी इच्छा हो। सारे भाई सुंदर साथ को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई भेजी गई। और मुझे ये नहीं पता था कि जब यहाँ से चित्त छूट जाता है, छूटने लगता है, या फिर उसमें थोड़ी सी शायद कमियां भी बाकी हैं सुंदर साथ जी, पर जब यहाँ की इच्छाएं छूटने लगती हैं, भला भया मेरी गगरी टूटी, तो जैसे ही गगरी टूट जाती है ना यहाँ की, पिया यहाँ सुंदर साथ में भी उन इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसा देखा, दिल में एक शायद कहीं दबी कहीं छिपी कोई इच्छा रही होगी, कल रात को लवी जी और देव आए, सारे भाइयों की तरफ से राखी बंधवा के चले गए सुंदर साथ जी। मैं उस भाव का यहाँ पे वर्णन नहीं कर सकती कि शायद ऑस्ट्रेलिया आने के बाद इतनी खुशी का पल शायद ही कोई आया हो, जितना लौकिक कार्य में मैं बोल रही हूँ सुंदर साथ जी, जितनी खुशी कल वो देकर गए सरप्राइज देके। लवी ने आशीष को बांधी, मैंने देव जी को बांधी, अंगना ने राघव को बांधी, और किस प्रकार वो महोत्सव में बदल गया, और बातें तो सारी धनी की ही हो रही थी। धनी जी आपका बहुत बहुत शुक्र। और मुझे देव में बहुत छोटे हैं सुंदर साथ जी, मेरे से 10 से 15 साल तो छोटे होंगे कम से कम भाई, पर मुझे देव में कभी दुष्यंत भैया नजर आ रहे थे, कभी मुकेश भैया नजर आ रहे थे, कभी डीपी सिंह जी नजर आ रहे थे, कभी प्रवीण भाई, कभी कमलेश भाई, कभी जोगिंदर भाई, जितने भाई यहाँ बैठे, कभी श्रीनिवास अंकल, सारे सुंदर साथ की जो उन्होंने कल पूर्ति की ना, उसके लिए मैं उनके चरणों में बहुत प्रणाम करूंगी। और आप सबके चरणों में सुंदर साथ जी, ये भाई बहन का नहीं, बहन बहन का भी नाता है, तो सारी बहनों को भी जो धनी हमें दे रहे हैं ना, उसके लिए खूब खूब आपके हृदय में बैठे धाम धनी को प्रणाम जी। तो यहाँ की जब गगरी फूटती है ना, तो वो जो गगरी में अपनी में भरना शुरू करते हैं ना, जाहिर भी उन्होंने कल दिखा दिया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने श्री बीतक साहब में, कितना सुंदर प्रसंग चल रहा है। श्री बीतक साहब पे जाते हैं तो लगता है सबसे सुंदर सबसे प्यारी यही है। श्री मुखवाणी की किसी भी चौपाई में जाएं तो लगता है इससे ज्यादा नग तो कहीं और जड़े ही नहीं हुए, इससे ज्यादा रंग तो कहीं और है ही नहीं, यही तो चढ़ती चढ़ती रोशनाई है सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी,
मिहिरराज ठाकुर जी, अंदर बैठी इंद्रावती की प्यारी आत्म क्या ढूंढ रहे हैं? अपने अवगुण ढूंढते जा रहे हैं। ढूंढत फिरे अवगुण को अजु मेरे रहे, और ये मेरे घर में रहा पहुंचाऊं हादी ठोर। कहते हैं ये गहने, ये धन जो मेरे घर में पड़ा हुआ है ना, लगता है ये मेरे घर में है ना, इसीलिए मैं परम धाम को नहीं देख रहा। कलयुग में जिस प्रकार कल श्रीनिवास अंकल ने भी बताया, 2018 की स्वामी जी की चर्चा में भी यही कहा गया और लिखा गया कि श्रीमद् भागवत में बताया गया कि स्वर्ण में कलयुग का निवास होता है, तो इसीलिए सोने को भी घर से बाहर निकाला है, धनी के चरणों में अर्पित कराए कि शायद इसमें मेरी कुछ ना कुछ अंदर से सटल कुछ छिपी ना हुई हो, कलयुग मेरे घर में बैठा हुआ है, तो उसको भी अर्पित कराता हूँ महाराज के चरणों में, सतगुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा आता हूँ। घर के भूखन कोई रया स्त्री के पास, सो भी चित्त में अवगुण आया दिल में खास। तिनको भी काढ़ के, अब उनको निकाल दिया घर से, अरज करे आगे हादी, तब अवगुण काढ़ के ए दिल आवे साहिदी। कहते हैं मेरे अवगुणों को बताइए, आभूषणों रूपी अवगुण को निकाल कर मेरा, उन्होंने मन में मान लिया कि लगता है कि थोड़ा थोड़ा निर्मल होने की साक्षी दे रहा है। मेरे आगे मन की मैं देखूं परख, बाजार में ही चलते, बाजार ही में चलते एक कहूं चले के हरख। बार बार बाजार में चलते हुए भी जाते हैं, देवचंद्र जी के पास जाते हैं, वापस आते हैं, कोई ना कोई गृह कार्य करने, अपनी जॉब भी करते हैं सुंदर साथ जी, मन में क्या है कि मेरा मन कहाँ भागता है, कहीं ये कपड़ों वाली दुकान में, ये खाने वाली, क्या मेरा मन कुछ कहता है कि यहाँ से ये ले लूं, यहाँ से ये ले लूं, भाग रहा है अभी भी इन व्यसनों की तरफ, इन इच्छाओं को पूरी करने की तरफ। कहीं हर समय चेक रखते हैं सुंदर साथ जी अपने मन पे, परख ऐसी करें मन की, खीजे बहुवचन, खीज खीज कर उसको समझाते हैं। अजहू करी सरीखी, मान रे चंडाल मन, अब तो मान जा, कब तक माया में भटकता रहेगा मन, उसको बार बार फटकारते हैं सुंदर साथ जी। इन भांत अंग को देत कसौटी जोर, अरज करे अंग की चित्त ना हुआ मरोर। कहते हैं मेरा मन अभी भी माया से हटकर पूरी तरह राज्जी में पूरा मरोड़ क्यों नहीं खा लेता, पूरा उधर क्यों नहीं मुड़ जाता, कभी इधर कभी उधर क्यों रहता है। कहते इतनी कसौटी पर कसते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र पावन करने के लिए सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं। राह माहे चलते कोई सामे मिलिया यार, तो मुंह फिराए के चलें जिन पड़े बीच पड़े परवरदिगार। कहते हैं सामने से कोई मित्र भी आता हुआ मिल जाता है तो उससे मुंह फेर लेते हैं, ताकि मेरे और पिया के बीच में किसी और से आसक्ति मेरी ना हो, ना तो मेरा टाइम वेस्ट हो, और ना ही मेरा प्रेम मित्र के लिए भी प्रेम ना हो, मेरा प्रेम हो तो केवल धनी से हो और किसी की तरफ मेरा ध्यान जाए ही ना। इस प्रकार से सुंदर साथ जी कर रहे हैं, हमने ध्यान रखना है सुंदर साथ जी क्या क्या वो कर रहे हैं, हम कितना समय अपना नष्ट करते हैं, हमारी आसक्ति किन किन से बंधी हुई है, बहुत ध्यान रखना है सुंदर साथ जी। तब श्री धाम मुंह आगे फिर वल्या है गर्द, अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द। कहते हैं इतनी कठोर कसनी की, शरीर को इतना सुखा लिया सुंदर साथ जी, और क्या किया ध्यान से सुनिएगा। तब श्री धाम मुंह आगे फिर वल्या है गिरद, अपना आपा देखिया, अपने आप को देख लिया उन्होंने, परातम जो है बैठी हुई है ना सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में जो उनकी परातम बैठी हुई है, उन्होंने उनके दर्शन कर लिए, अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द। कहते हैं शरीर पूर्ण रूप से जर्जर जरूर हो गया, बहुत कमजोर हो गया, पर उन्होंने आत्मिक दृष्टि से श्री धाम मुह आगे फिर वल्या है गर्द, गिरद यानी के 25 पक्षों की झलक भी पाली उन्होंने और अपना आपा भी सुंदर साजी देख लिया उन्होंने,
उसके बिना इंद्रावती की आत्म है वो बैठी नहीं सुंदर साथ जी उसके बिना कि कब आएगा हफ्सा का समय, क्योंकि उनको तो पता है, सदगुरु को तो सारा पता है, महाराज सदगुरु महाराज धाम धनी को तो पता है सब कुछ, पर इंद्रावती की आत्म ने इतनी कसनी की धनी रीझ कर देख लीजिए सुंदर साथ जी, अपना आपा भी देख लिया। ये वो मोमेंट जो मुझे पहले नहीं पता था सुंदर साथ जी की, उन्होंने अपने दर्शन भी कर लिए, परम धाम के 25 पक्षों की झलक भी देख ली, आत्मा के नहीं पर आत्म के दर्शन कर लिए, अपना आपा जो मूल मिलावे में उनकी परात्म बैठी हुई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कई बार हम कहते हैं 40+ इज द राइट एज, वही मैच्योर होते हैं और तभी धनी के दर्शन हो सकते हैं। उनकी एज तो अभी सुंदर साथ जी 27 वर्ष की अवस्था है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी अवस्था में, पहली बार अपना आपा देख लिया उन्होंने और परम धाम के दर्शन कर लिए 27 ईयर्स ऑफ एज, यानी के जब वो 25 वर्ष के थे, 24-25 राउंड ऑफ करके लिख दिया गया, तो गोवर्धन भाई ने तन छोड़ दिया था अपना, तो कितने टाइम बाद ही, 2 साल, कितना विरहा वो करते रहे, अवगुण निकालते रहे, भाई भी पास में नहीं है, किसके पास, रो भी नहीं सकते सुंदर साथ जी, अंदर ही अंदर रो रही है इंद्रावती की आत्म, सतगुरु महाराज से भी खुल के नहीं कह रहे, बस ये कह रहे मेरे अवगुण काट दीजिए, मेरे अवगुण निकाल दीजिए। तो 2 साल में 27 वर्ष की अवस्था में परात्म देख ली उन्होंने अपनी, सांसारिक सुखों को तो ठुकरा ही दिया था सुंदर साथ जी, अक्षरातीत की आज तारतम वाणी आ चुकी है हमारे पास, श्री तारतम वाणी का संपूर्ण खजाना खुला पड़ा है, खुली किताब होती है ना एक दिल सुंदर साथ जी, वो राजी का दिल खुली किताब की तरह उन्होंने हमारे सामने रख दिया है, और हम क्या कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, राजी आपने तो दिल खोल के रख दिया, कोई बात नहीं आपके पास तो टाइम है ना, आपने तो कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है राजी, जब होगा तब हम उसको पढ़ेंगे। उस आत्म की तड़प को देखिए जो अपना शरीर सुखा दिया जिसने, तो सुंदर साथ जी ये भी वेट ना कीजिए कि 40 हो जाएंगे तब शुरू करेंगे, अभी दुनिया की जिम्मेदारियां तो निभा दें, क्या पता इस सांस का क्या पता सुंदर साथ जी। कल ही मैंने सुना 35 ईयर्स के हमारे एक सुंदर साथ जी ने तन छोड़ दिया, उनको हार्ट अटैक आ गया, सुंदर साथ जी कुछ पता नहीं है, 40 की एज की वेट करते करते कुछ पता नहीं है ये श्वास कब कहां कहां चला जाएगा सुंदर साथ जी। इसलिए आज अभी इसी वक्त इसी क्षण इज द राइट मोमेंट इज द राइट टाइम जब राजी को दिल में बसाना है और बसाए ही रखना है, तो इसलिए कोई एज का बहाना नहीं बनाना, किसी प्रकार का कोई बहाना चलता ही नहीं है सुंदर साथ जी। और जो 40 हो चुके हैं, आई एम ऑल्सो 40+ जो हो चुके हैं, तो फिर तो बहुत ही लेट हो गया है सुंदर साथ जी, आधी से ज्यादा जिंदगी तो वैसे भी एवरेज एज भी देखें तो उसमें भी निकल चुकी है, अभी तो बहुत कम क्षण बचे हैं, बहुत कम समय बचा है सुंदर साथ जी। रोज डिपॉजिट करते हैं मॉर्निंग में, लो आज फिर इतने सेकंड इतने सांसें तुम्हें फिर से मैंने दे दी, देखता हूँ आज तुम क्या करती हो पूरे दिन में, और हम भूले वही वही करते जा रहे हैं जो जीव ये करोड़ों वर्षों से करे ही जा रहा है। आज भी वो आत्म की ओर नहीं मुड़ता सुंदर साथ जी, ये जो ब्रह्मवाणी है ना, ये ब्रह्मवाणी मंगल आशीष है हमारे लिए, ये धनी जी का आशीष है हमारे लिए, इसको रोज पढ़ लीजिए, रोज मंथन कर लीजिए, रोज इसको हृदय में बसा लीजिए, इससे दूर ना रहिएगा सुंदर साथ जी। एक बार ना एक विद्यार्थी था, स्कूल तक तो टॉप करता था, बहुत बहुत ही अच्छे मार्क्स से फर्स्ट आता था हमेशा, कॉलेज में गया अचानक से उसकी संगति चेंज हुई, उसका मन पढ़ाई से हटने लग गया, अच्छे कामों में मन ही नहीं लगता था क्योंकि संगति ऐसी थी उनके साथ, इधर उधर समय नष्ट करता, बातें करता रहता, मूवीज देखने जाता, सारे ऐशो आराम कर रहा है पर पढ़ाई नहीं कर रहा, माता पिता देख रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, असर नहीं हो रहा क्योंकि
ज्यादा टाइम तो संगति के साथ स्पेंड हो रहा है, तो माता पिता क्या करें, समझाते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करते करते पूरा वर्ष बीत गया, रिजल्ट आया तो दो विषयों में फेल हो चुका था। अब उसको बहुत चोट लगी अंदर की, मैं कहां टॉप करने वाला विद्यार्थी, आज मैं फेल हो गया। तो अंदर ही अंदर डिप्रेशन होने लगा, ऐसा घेरा, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, कॉलेज जाना ही बंद कर दिया, पढ़ाई में बिल्कुल भी उसकी रुचि नहीं रही, ना मित्रों में नहीं रही, ना पढ़ाई में, ना जीवन में कोई रुचि नहीं। उस समय पर उसके माता पिता को उसके पुराने प्रोफेसर मिले, उन्होंने कहा इतना अच्छा बच्चा, इसको क्या हो गया, मेरे पास भेजना। तो वो प्रोफेसर से मिलने जाता है, तो रात को बहुत ठंड होती है, वो आग सेक रहे होते हैं अंगीठी के सामने बैठ के, तो 15 मिनट तक बैठा रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है किसी से, अंदर इतना उदासी हो चुकी है उसके कि मेरे साथ हो क्या गया ये। तो सुंदर साथ जी 15 मिनट तक बैठा रहता है, ना प्रोफेसर कुछ बोलते हैं ना वो कुछ बोलता है। तो थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर साहब क्या करते हैं, अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा उठा के बाहर रख देते हैं मिट्टी में, थोड़ी देर गर्मी देता है वो, फिर वो बुझ जाता है, कोयले का टुकड़ा बिल्कुल गर्मी नहीं दे रहा। फिर वो पूछता है कि प्रोफेसर साहब ये आपने बाहर क्यों रख दिया, ये तो बेकार हो गया। तो उन्होंने बोला अच्छा बेकार हो गया, लाओ इसको मैं फिर से अंदर रख देता हूँ। उन्होंने फिर से कोयले के टुकड़े को अंदर डाला, थोड़ा सा समय लगा, उसने आग पकड़ी, फिर बाकी कोयलों जैसा धधकने लगा और फिर वैसी ही गर्मी प्रदान करने लगा। तो उन्होंने क्या समझाया, उन्होंने कहा कोयले का टुकड़ा थोड़ी देर के लिए मिट्टी में रख दिया तो ये ना समझना बेकार हो गया, उसको वापस से अग्नि में डालकर वैसा का ही बनाया जा सकता है, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल कर आगे बढ़ो। तो सुंदर साहब जी हम भी पिया की प्रेमाग्नि से थोड़ी देर के लिए दूर हो गए हैं, तो वापस से इस कोयले को भी प्रेमाग्नि में वापस डालना है, विरहा की अग्नि में जलना है, वो भी धधकने लगेगा। सुंदर साजी आत्मा तो उनकी ही अंग रूपा है, परात्म की ही तो प्रतिबिंब स्वरूपा है, बिल्कुल सेम टू सेम, उसके अंदर तो 25 पक्ष समाये हुए हैं, जैसे परात्म के हृदय में समाये हुए हैं, उसके अंदर युगल स्वरूप की वैसी ही शोभा है जैसे परात्म के हृदय में है। थोड़ी देर के लिए संगति इसकी जीव की हो गई, संगति खराब हो गई सुंदर साजी, तो अब क्यों ना राजी कहते मैं तुम्हारी संगति सुधार देता हूं, इस जीव को ही सुधार देता हूं, इतनी ब्रह्मवाणी इसको पिलाऊंगा, इतनी ब्रह्मवाणी के पूर मैं बहाऊंगा कि तुम्हारी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी संगति भी सुधर जाएगी। तो ये जीव को कैसे वो अपने लायक बनाते जा रहे हैं, कैसे ये सुंदर जीव उनकी तरफ लगता जा रहा है, जो इसको कब से नहीं मिला था, आज इसको भी वो आनंद थोड़ा थोड़ा सा, ब्रह्मवाणी के ज्ञान का तो पूरा आनंद ये जीव भी लेता जा रहा है। तो सुंदर साथ जी वापिस से उसी प्रेमाग्नि में, उसी विरहाग्नि में धधकना है हम सब, सुंदर साथ के अंदर वो आग जलनी चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके नहीं चलेगा, अब केवल थोड़ी देर सुना उसको वहीं छोड़ दिया, वहीं झटक दिया, नहीं चलेगा, 24/7 धनी अंदर चलने चाहिए, अब वो समय आ चुका है, अब देर नहीं करनी है सुंदर साथ जी। अब जब इतना कुछ हो गया, देखिए उनको अंदर ही अंदर अपनी परात्म का अपना आपा देखिया, वो देख चुके हैं, तब होता है ये, तब बाल बाई आए के, बाल बाई कौन है सुंदर साथ जी, आपको याद है कौन से सुंदर साथ बताएंगे, बाल बाई जी किनका नाम था, हमने कौन सा कबीला, किनके परिवार किए थे, बाल बाई किनका नाम है सुंदर साथ जी बताएंगे जल्दी से। हाँ जी अनीता त्यागी जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, गांगजी बाई की बहन, बिल्कुल सही, अति सुंदर। और अभी भी वो चर्चा करने के लिए तो बाग में जाते हैं, और वैसे गांगजी भाई के घर में ही रहते हैं, तो बाल बाई जी भी उनके घर में ही रहती हैं सुंदर साथ जी। तो बाल बाई जी गांगजी की जो बहन है वो क्या कहती हैं सतगुरु से आके, हाँ जी, तो वो कहती हैं सुंदर साहब जी, तब बाल बाई आए के कहया आगे श्री देव चंद्र जी, श्री श्री मिहिर राज के आकार की
अरज आए करी, उनके अंदर कितना प्रेम होगा उनके लिए सुंदर साथ जी। बाल बाई जी के अंदर सारे पात्र वो निभाएंगी, पर धनी के हुक्म से, उनकी मेहर से। इसलिए यहाँ पर कोई भी सुंदर साथ श्री बीतक साहब में चाहे जैसे भी करे, उनके लिए हमारे हृदय में लेश मात्र भी, एक भी कड़वा शब्द, कड़वाहट या फिर बुरा विचार नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्यों हो रहा है, मेरे पिया के हृदय में आया है, हमको सिखापन देनी है, इसलिए बीतक साहब में वो वैसा वैसा पात्र मेरे लिए निभा रही है ताकि मैं उससे कुछ सीख लूं, मेरे यानी हमारे लिए। पर हर एक को पर्सनल वो लेना है सुंदर साहब जी, वन ऑन वन। हमारे यहाँ ना हम पढ़ाते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं आर यू टेकिंग इन ग्रुप्स और वन ऑन वन, आप ग्रुप लेकर करते हैं या वन ऑन वन करते हैं? तो हमारे पास तो समय नहीं होता, तो हम लोग ग्रुप करते हैं, तो हम बोलते हैं वन ऑन वन इज नॉट अवेलेबल। तो सुंदर साज जी ग्रुप में राज जी बता जरूर रहे हैं, पर हम लोग उनको बोलते हैं इट्स अ ग्रुप वन बट वन ऑन वन अटेंशन इज देयर। तो ये ग्रुप में बता जरूर रहे हैं हम सब सुंदर साथ के लिए, पर हमने उनके साथ जो बात करनी है ना वन ऑन वन, मतलब मैं और मेरे राजी, बस मेरे को ये बात कही है मेरे धनी जी ने, मेरे लिए ही पूरी श्री बीतक साहब कही, मेरे लिए पूरी श्री मुखवाणी कही, क्योंकि मैं ही बची हूं बस। अब बाकी सारे जागृत हो चुके होंगे या हो रहे हैं, मैं बची हूं अब, जिसके लिए ये सारा प्रबोध वो कर रहे हैं सुंदर साहब जी। मेरे पे ये असर नहीं हो रहा, ऐसा लेके चलेंगे ना तो शायद दिल में कुछ दर्द हो इस वाणी के लिए, शायद कुछ तड़प उठे, जो अभी तक वो व्याकुलता नहीं आ रही, शायद वो व्याकुलता कहीं अंदर चोट कर जाए सुंदर साहब जी। तो बाल बाई जी कितने प्रेम से, प्रेम देखा है सुंदर साहब जी कि इसका शरीर को देखिए क्या होता जा रहा है, इसके आकार को देवचंद्र जी, कैसे शरीर इतना कमजोर, इतना जर्जर हो गया, आप देख क्यों नहीं रहे हो, इनकी दशा तो देखिए, अरज करती हैं उनसे आके। एक भाई पहले चलिया, अब ये हुआ तैयार, कहते गोवर्धन भाई ने तो पहले ही अपना शरीर छोड़ दिया, अब ये भी शरीर के त्याग की लगता है तैयारी कर रहे हैं, जैसे इनका शरीर सूखता जा रहा है। तुम क्यों ना कहत हो, डर नहीं लगत लगार, आपको डर नहीं लगता कि मिहिरराज तन छोड़ देंगे आप अपना, आपको डर नहीं लगता सदगुरु महाराज? आप इनको क्यों ना कहत हो, आप इनको क्यों नहीं समझाते हो? कौन कह सकता है सुंदर साहब जी जो बहुत प्यार करता हो? बाल बाई जी के अंदर कितना स्नेह उनके लिए होगा जो कह रही हैं कि आपको डर नहीं लगता सदगुरु महाराज, ध्यान दीजिए, इनको समझाइए। तब श्री देव चंद्र जी ने सवाल किया महाराज, अब सवाल करते हैं उनसे। पहले तो कौन सवाल कर रहा था? महाराज जी सवाल कर रहे थे उनसे। क्या सवाल कर रहे थे? मेरे में कौन कौन से अवगुण है, मैं उनको कैसे निकालूं, कौन कौन से और बच्चे हैं? आज देवचंद्र जी उनसे सवाल कर रहे हैं, क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो आज। कहते हैं आज अपने दिल की बातें मुझे स्पष्ट बता दो। उनको नहीं पता सुंदर साहब जी जो कह रहे हैं बता दो, अंदर उनके राजी बैठे हैं, सारी बातें उनको पता है, पर अपनी रूह के मुख से सुन के कि वो अपने मुख से, क्या हमारे सतगुरु को नहीं पता होता? हमको ऐसा लगता है सुंदर साहब जी कि सतगुरु के पास हम जाते हैं ना तो उनको पता ही नहीं, हम उनको अपनी, वैसे तो ऐसा होता है कि सिचुएशन कौन सी बताते हैं, हमारे घर में ये चल रहा है आप ठीक कर दो ना, यही मांगते हैं हम उनसे, क्या उनको नहीं पता होता ये भी? सुंदर साहब जी सारा सतगुरु जो होते हैं ना, क्या अगर आपको अपने सतगुरु पे पूर्ण ईमान, पक्का विश्वास है, आपको पता है कि वो मूल मिलावे का रोज राउंड लेते हैं, यानी के रोज चक्कर लगाते हैं वहां पे, और उनके हृदय में वो शोभा पूर्ण रूप से बसी हुई है, एक मिनट के लिए भी उस शोभा को कोई एक क्षण के लिए भी अलग नहीं कर सकता, अगर पक्का विश्वास है तो। कहते हैं जो मूल मिलावा देखता हो, जो 25 पक्ष देखता हो, हर समय हर घड़ी देखता हो, तो ये क्षर का ब्रह्मांड जो सीमा में है, इतना छोटा है परम धाम, तो इतना बड़ा उसकी कोई सीमा ही तय नहीं की जा सकती, गिनतियों में लाने के लिए काल माया की बुद्धि ऐसी है, समझ नहीं आता, इसलिए लाया गया सुंदर साहब जी, ताकि हम भी वहां किसी प्रकार से
अपने अंदर से कोशिश करें कि वहां रमण करें, पिया भ्रमण कराएं हमें वहां पे, पर यहाँ का ब्रह्मांड तो सीमा में है, तो क्या ये नहीं दिखता होगा उनको, ऐसा लगता है कि मेरे सतगुरु को बताने की जरूरत है? नहीं सुंदर साथ जी, अंदर बैठे धनी सब देख रहे हैं, अपने मुख से क्या निकाल रहे हैं, मिहिरराज जी निकाल भी रहे हैं तो पिया को मांगने की बात ही निकाल रहे हैं मुख से। लौकिक कार्य कभी यहाँ पे सुना है मिहिरराज जी ने कहा हो कि घर में ऐसा होता है ऐसा कर दीजिए? नहीं सुंदर साथ जी, आज के बाद यदि पूर्ण विश्वास है कि मेरा धनी देख रहा है, मेरे सतगुरु देख रहे हैं, कभी भी मुख से माया के लौकिक कार्य पूरी करने के लिए गुनाहगार नहीं बनेंगे सुंदर साथ जी। हम कभी नहीं कहेंगे सब कुछ देख रहे हैं, या और वैसे भी सुंदर साथ जी जो यहाँ के लिखा हुआ है ना राजी ने, वो हो के रहेगा और वो मेरे लिए बेस्ट कर रहे हैं राजी, ताकि मैं उनके और पास उनके और करीब हो जाऊं। जब ये स्थिति आती है ना, बड़ी प्यारी होती है सुंदर साथ जी। पता है क्या कहते हैं, कहते हैं जब ये स्थिति आती है तो पता है कितना आनंद आता है। कबीर जी ने, शायद ये कबीर जी ने लिखा हुआ है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, यानी जो जो प्यारा करता है ना, जो जो प्रियतम करता है मुझे वही भाता है, चाहे वो कुछ भी। यहाँ के दुख सुख से तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं सुंदर साथ जी, इनसे ऊपर की स्टेज पे जाना है। कहते जो जो रखो, जैसे आप रखो धनी जी, जो आप चाहो वैसे आप रखो, ये कह रहे हैं। कहते हैं जोई जोई प्यारो करे, जो मेरा प्यारा करता है, जो मेरा प्रियतम करता है, मुझे वही भाता है, मुझे उससे ज्यादा कुछ भाता ही नहीं है। मैं क्या मांगते हैं सुंदर साथ जी हम जाके, जो प्रियतम ने किया वो नहीं भा रहा, इसलिए ये मांगते हैं जाके। आगे क्या कहते हैं, भावे मोको जोई जोई सोई करे प्यारे। पहले तो वो जो जो करता है वो मुझे भाता है, फिर वो वही करता है जो मुझे भाता है। कितनी सुंदर ये बात उन्होंने कही, पहले इस स्टेज पे तो आए कि जो जो वो करे वो मुझे भाए, हर चीज मुझे भाती है पिया, जो आप मेरे साथ कर रहे हो, चाहे वो यहाँ पर शरीर के लेवल पे हो, चाहे जीव के लेवल पे हो, चाहे आत्मा के लेवल पे हो, पर आत्मा तो सबकी वहां इकट्ठी बैठी, जिस लेवल पे भी आप कर रहे हो ना, वो मुझे भाता है, मुझे उससे प्यारा और कुछ लगता ही नहीं। जो आप जीवन में मुझे दे रहे हो ना, वो सबसे सुंदर मुझे लगता है, दुख हो सुख हो सब समान लगता है पिया जी। उसके बाद जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब क्या करते हैं, भावे मोको जोई जोई, जो मुझे अब भाए ना सोई करे प्यारे। फिर प्रियतम वो करते हैं जो मुझे असल में भाता है सुंदर साथ जी। असल में क्या भा जाता है, ये सब स्थिति से ऊपर उठ के फिर तो प्रियतम ही भाता है, फिर वो वही वही करता है जो अंगना चाहती है, जो मैं चाहती हूं ना, कि मेरे पिया आज आप मेरे धाम हृदय में बैठे, मेरे धनी जी आज आप मेरे साथ ये लीलाएं करो, आज जो बात मैं करूं आप उसका उत्तर दो, और फिर पढ़ उत्तर दो, फिर ये करो, वैसी मीठी बातें जैसी मैं सुनना चाहती हूँ वैसा वो दिखाई देता है, जैसा मैं देखना चाहती हूँ वैसा दिखाई देता है, जो मैं सुनना चाहती हूँ वैसा सुनाई देता है, जो मीठी जबान उनसे, जो शब्द मैं उनके मुख से, यहाँ काल माया में तो शब्द होते हैं सुंदर साहब जी, जो मैं उनके मुख से सुनना चाहती हूँ वो वैसा ही बोलने लगता है, जैसे मैं उसको कहती हूँ आज मुझे यहाँ पर घुमाने लेके चल, वो वहीं घुमाने लेके चलता है सुंदर साहब जी। मैं कहती हूँ कि मुझे अपने नख के नूर से आज बाहर ही ना निकलने दे, वो उससे बाहर ही नहीं निकलने देता। मांग कर तो देखिए, ये मांग के देखिए, पर कब मांग सकते हैं, जब जोई जोई वो करें वो हमको भाने लग जाए। इस स्थिति से ऊपर उठे बिना ये स्थिति कैसे आएगी कि अब वो वही वही करे जो जो मुझे भाता है। पहले उसकी पसंद के मुताबिक चलना पड़ेगा सुंदर साथ जी,
फिर वो हमारी पसंद के मुताबिक वो तो ढल ही जाता है। सुंदर सा जी वो तो पहले ही इतना प्रेम करते हैं कि इस दुनिया में ना कभी किसी ने सुना ना कभी किसी ने देखा, इतनी सुंदरता जो हम यहाँ की सुंदरता में खोए रहते हैं, ये सुंदरता तो कुछ भी नहीं, ना ये रूप ना पद ना धन, वहां का धन सुंदर सा जी यहाँ क्या सक्सेस पालेंगे, कितनी सक्सेस पालेंगे, यहाँ क्या इकट्ठा कर लेंगे, जो कहने में बहुत वो लगता है कि क्या इकट्ठा कर लेंगे सुंदर सा जी, पर फिर भी इकट्ठा करने में लगे हूं। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा जाल में फंसना नहीं, है ना, क्या इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, फिर भी इकट्ठा करेंगे, बहुत इकट्ठा करेंगे, धनी से दूर होते जाएंगे, रोज सुनेंगे, पर माया हमारा जाल रोज उठाकर चल देगा, वो शिकारी रोज चल देगा, पर नहीं सुंदर साहब जी, अब पिया ने चूहे छोड़ दिए हैं, हमारे मित्र चूहे छोड़ दिए हैं कि इनके जाल को काट दो, धीरे धीरे वो जाल कटता जा रहा है, कुछ कुछ चिड़ियां तो बाहर निकलती जा रही, कहीं हम अभी भी ऐसा सोच के कि वो जाल अभी भी बना हुआ है, स्वयं का बुना हुआ जाल दिखाई दे रहा है, उसमें फंसे तो नहीं पड़े सुंदर सा जी। एक बार ना एक एक्वेरियम होता है ना जिसमें मछलियां होती हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक तरफ वेल थी दूसरी तरफ छोटी मछलियां थी, बीच में एक ग्लास लगा दिया गया, अब जो बड़ी वाली मछली है वो बार बार सिर पटकती है, उन तक पहुंच नहीं पाती बीच में, क्योंकि बहुत भारी ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, वो देखती है उनको खाने के लिए दौड़ती है, खा नहीं पाती, कर ही नहीं पाती, बहुत दिन तक बहुत महीनों तक ट्राई करती रहती है, नहीं कर पाती, अब धीरे से वो ना ट्राई करना बंद कर देती है और बैठ जाती है कि ये मेरे हाथ नहीं आने वाला। अब धीरे से साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस शीशे को हटा देते हैं बीच में से, मछलियां वो अपनी जगह ही घूम रही हैं, ये बैठी रहती है, इसको पता ही नहीं बीच में से वो हटा दिया गया, उसने ट्राई करना ही बंद कर दिया, सुंदर साहब जी निष्क्रिय होके ही बैठ गई है वो, कि अब मुझे मिलेगा ही नहीं, अब मैं निराश हूं, अब मुझे मिल ही नहीं सकते, राजी आप मिलते ही नहीं हो, नहीं सुंदर साहब जी, क्या पता वो पर्दा कैसे जीना कर करके उन्होंने हटा दें वो, क्या पता हम ही निराश होके बैठे हैं, वो अगले ही क्षण आने वाले हो, तो बैठिए चितवन में, निराश नहीं होना, नेगेटिविटी जो होती है ना वो कभी अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना उसको, जीवन में कहते हैं आस्तिकता, क्या है आशावाद, स्वामी जी कहते हैं ये आशावाद ही आस्तिकता है, यदि निराश हो जाते हैं तो सबसे पहली बात तो आस्तिक ही नहीं है, राज्य तो बहुत दूर की बात है फिर अभी, तो कभी भी जीवन में निराशा आती है, मैंने भी इन क्षणों से सीखा है, बहुत निराशावादी क्षणों से सीखा है, पर धीरे धीरे सुंदर साजी उठना पड़ता है, राज्य तो उठा रहे होते हैं, हम हाथ उनको दे नहीं रहे होते, फिर वो जोर से पकड़ के ऐसे उठा देते हैं जब जब जिसका क्षण आता है, तो क्या कहते हैं, मेरे अवगुण मुझको दिखाई दो तुम, तब कहया मुझको क्या पहचानत आत्म, जब उनको सवाल करते हैं देवचंद्र जी कि तुम्हारे हृदय में क्या है, क्या है तेरे दिल में, तो मुझे कहो आज, तब कहते हैं मेरे अवगुण तुमको, बार बार उनको यही कह रहे मेरे अवगुण दिखा दो, कहते क्या पहचाना है मिहिर राज, मेरे आत्म स्वरूप की आपने क्या पहचान की है, मेरे कैसे इशारे से बता रहे हैं कि अंदर मेरे कौन बैठा है, क्या आपने पहचाना भी है, ब्रज की बातें सुनते पानी झरत है नैन, तब श्री देव चंद्र जी कहा क्यों रहे तन सुनते बैन, मिहिरराज जी कहते हैं जब आप ब्रज लीला का वर्णन करते हो ना सुंदर सा जी, कहीं हम ब्रज लीला से दूर तो नहीं भागते ना, ये मिहिरराज जी कह रहे हैं, इंद्रावती सखी कह रही हैं ये, क्योंकि हम ही थे सुंदर सा जी वहां पे, कहते जब आप ब्रज लीला का वर्णन करते हैं ना सदगुरु महाराज, मेरे नेत्रों से अविरल धारा बहने लगती है, मेरे नेत्रों से आंसू बहते हैं और रुकने का नाम ही नहीं लेते, बताते ही नहीं थे पहले सतगुरु महाराज को, आज उन्होंने पूछा है तो बताया है, हम कैसे सतगुरु को सारी खबरें देते हैं जा जाके कि सिखा रहे हैं हमें, आज उन्होंने पूछा है कि मुझे अपने दिल की बात बताओ, तब उनके मुख से कोई बात निकली है सुंदर सा जी, क्योंकि सतगुरु का आदेश हुआ है,
हम सुंदर साथ कभी भी नकारात्मकता की बातें, अपने घर परिवार की बातें ना बताइए सतगुरु को। और बहुत बड़े बड़े जागनी कार्य हैं सुंदर साथ जी उनके पास। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी वाली बातें आती थी, तो एक ही बात थी कि सतगुरु को अपनी लाइफ का एक भी ऐसा क्षण नहीं बताना जिसमें दुख है या दुख हुआ। क्योंकि यदि साधना में चितवन में बैठे हुए यदि एक ख्याल भी मेरा उनके हृदय में आ गया ना, तो फिर उनकी चितवन में जाने में कहीं मैं बाधा बन गई, एक ख्याल भी यदि मेरा उपज गया उसमें बैठते समय, तो फिर मुझे बहुत गुनाह लगेगा सुंदर साथ जी। तो अपने घर परिवार की परेशानियां उनको ना बताइए, धाम धनी सब देख रहे हैं, वो सब जब समय आएगा सब कुछ ठीक कर देंगे। उनको बताना पॉजिटिव भी उनको पता है, जीव यहाँ का लगा होता है सुंदर साथ जी सबके पास, तो इसलिए जा जाके उनको अच्छी अच्छी बातें बताइए। जागनी में कितने कार्य हो रहे हैं, धाम धनी कितने खुश होते हैं सुंदर साथ जी सुन के, जागनी में सुंदर साथ कैसे अच्छी 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 तरफ मुड़ रहे हैं, उनको वो सब बताइए। जाकर चितवन में बैठेंगे, हर्षित हो जाएंगे यदि वैसा कोई ख्याल उनके दिल में आता है, तो ये सेवा करेंगे हम सुंदर साथ। तो यहाँ से हमने सीखना है सतगुरु से क्या बात करनी होती है। देवचंद्र जी कहते हैं, क्यों रहे तन सुनते बैन, मेरी वाणी सुनने के बाद तुम्हें अपने तन का आभास क्यों रहता है। कहते इसमें क्या बात बता रहे हैं सुंदर साथ जी, जब ब्रज लीला में अपनी विरह व्यथा वो बताते हैं ना कि मेरी आंखों से तो नीर, मेरे नेत्रों से नीर ही बहता रहता है, तो कहते हैं आंसुओं का आभास भी तब हो ना जब क्या हो सुंदर साथ जी, विरह में इतने डूब जाएं तो आंसुओं का तन का कोई आभास ही नहीं रहता उस समय। क्या बह रहा है, क्या आंखों से बह रहे हैं, तन भूल ही जाता है, ऐसे लगता है कि है ही नहीं। जैसे कि कहते ना इतना हल्का हो जाता है, जितना जीव सूक्ष्म होता है ना, ऐसे लगता है ये तन का वेट खत्म हो गया, वेटलेस हो गया ये इस समय, केवल वो सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव है ना सुंदर साथ जी उस पे पहुंचा जाता है, फिर कहीं आत्मा की बात आती है। तो कहते हैं आंसुओं का तो आभास ही नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं वो तो तब होगा जब शरीर का आभास हो। तन छोड़ने को नहीं कह रहे सुंदर साथ जी उनको, कहिया मेरे आगे धाम की बात करो जब तुम, तब पानी नैना झरे। बार बार इंद्रावती सखी क्या कह रही है, सुख पाऊं इन हुक्म। कहते हैं आप मेरे सामने पहले ब्रज रास की बात कर रहे हैं, अब कहते हैं मेरे आगे जब धाम की बात करते हो, परम धाम की बात करते हो, तो मेरे नेत्रों से विरह प्रेम के आंसू बहने लग जाते हैं। आपकी चर्चा में मुझे इतना आनंद मिलता है, सुख पाऊं इन हुकम, आपके आदेश का पालन करने में, आपके हुकम की पालना करने में मुझे इतना आनंद मिलता है सतगुरु महाराज, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे विरह प्रेम होता है और आनंद किस में मिलता है सुंदर साथ जी उनको, चर्चा सुनकर तो विरह प्रेम आता है, उमड़ता है, पर आनंद किस में आता है, सेवा में, आपके हुक्म के पालन करने में। जो सतगुरु ने कह दिया वो मुझे करना है, उस हुक्म के पालन में उनको आनंद मिलता है। तो हमें भी इंद्रावती जी के उस नक्शे कदम पे चलना चाहिए ना सुंदर साथ जी, हमें भी चर्चा सुनकर क्या होना चाहिए, उनके विरह आना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और उनके आदेश का पालन करने में सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए सुंदर साथ जी। तब बाल बाई ने कहा, क्या पहचाने धाम धनी, क्या पहचाने धनी धाम, जा ए बात लौकिक है, तिनसे होवे पूरन मनोरथ काम। बालबाई जी ने क्या, किस रूप में पहचान रहे हो मेहरराज, क्या पहचाने धनी धाम, यदि तुम्हारी कोई लौकिक इच्छा होती तो आसानी से पूरी कर देते, पर जिस परम धाम को, जिस अक्षरातीत को देखने की तुम बात कर रहे हो ना, वो इतना सरल कार्य नहीं है। बालबाई जी कह क्या रही हैं सुंदर साथ जी,
कहते हैं आंतरिक स्वरूप को, जो इनके अंदर बैठे हुए हैं ना उनको पहचान लो, यानी इतनी कठोर साधना जो आप कर रहे हो ना, इशारे से उनको बता रही हैं कि इनके अंदर बैठे धाम धनी को पहचान लो, जो पहचान होवे स्वरूप की। कितनी प्यारी लग रही हैं सुंदर साजी बाल भाई ये कहते हुए, गांगजी भाई की बहन बाल भाई कितनी प्यारी लग रही हैं, एक आत्म को समझा रही हैं कि इनके अंदर बैठे, इशारों से सुंदर साधी इशारा कर रही हैं कि पहचान लें किसी तरह इनके अंदर बैठे स्वरूप को, जो पहचान होवे स्वरूप की तो पलक ना रहवे नैन, प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख ना निकसे बैन। अगर तुम्हें सतगुरु महाराज के अंदर विराजमान इसकी सुंदर साजी श्री राज जी के आवेश स्वरूप की पहचान हो गई होती तो पल भर के लिए तुम उनसे अलग ना होते, पलक ना रहवे नैन और मुख से बिना कुछ बोले, मुख ना निकसे बैन, इनकी प्रदक्षिणा ही करते रहते, इनकी परिक्रमा ही करते रहते, तुम वारी वारी चले जाते उनके ऊपर, यदि तुम्हें इनके अंदर बैठे स्वरूप की पहचान हो गई होती। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक ना फेरे नैन, रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख ना निकसे बैन। फिर से वही चौपाई है पर क्या, जो मुझे देखे धनी धाम का, बाकी चरण सेम टू सेम है। कहते हैं आप देवचंद्र जी कहते हैं, मेहराज यदि तुमने मुझे, जो मुझे देखे धनी धाम का, धाम धनी के रूप में पहचान लिया होता तो पल भर के लिए तुम अपनी दृष्टि ना हटाते, बिना कुछ बोले दिन रात परिक्रमा करते, यानी उन पर वारी वारी जाते और सामीप्यता की उस स्थिति को प्राप्त हो जाते, ये अवगुण नहीं तेरे। बड़े प्यार से सतगुरु महाराज कह रहे हैं ये तुम्हारे अवगुण नहीं है मेहराज, क्या कहते ए सुख अगिनत देखे अवगुण कहियो ना जाए या मुख। कहते हैं तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, चर्चा से होने वाले सुख के विषय में क्या कहते हो, क्या कहते ए सुख, यदि तुम्हारे अंदर अवगुण होते तो तुम्हें चर्चा सुन के ऐसा अनुभव हो सकता था, जो अनुभव तुम्हें, तुम कह रहे हो कि मेरी आंखों से नीर बहते रहते हैं, परम धाम की चर्चा सुनता हूँ, ब्रज की चर्चा सुनता हूँ तो कैसे मेरी आंखें बहने लगता है, वो सुंदर साज जी विरहा के वो आंसू बहने लगते हैं, तो बताओ और किसी की ऐसी अवस्था हो सकती है कि, तो अवगुण तुम्हारे अंदर नहीं है तो ऐसी अनुभूति हो ही नहीं सकती जिसके अंदर अवगुण हो। तो मेहराज जी कहते हैं अगिनत देखे अवगुण, कहते हैं मेरे अंदर तो इतने अनगिनत अवगुण मुझे दिखाई देते हैं सतगुरु महाराज, मैं अपने मुख से कहे हो ना जाए या मुख, मैं उनका वर्णन ही नहीं कर सकता। श्री देवचंद्र जी पूछिया क्या है तेरे मन में, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे। देवचंद्र जी कहते हैं अब आपके मन में चल क्या रहा है वो मुझे बताइए, कि अवगुण काढ़ने के बाद करना क्या चाहते हैं आप वो मुझे खुल के बताइए। क्या कहते हैं, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, एक ही दर्द है कि आप देखते हो, आप परम धाम की शोभा का जैसे वर्णन करते हो, मुझे पता है कि पल पल आपकी आत्म देख रही है, वहां देख देख के वो वर्णन कर रही है, तो मैं ऐसे क्यों नहीं देख पाता, मेरे से ऐसा क्यों नहीं हो पाता, जैसे परम धाम आपको दिखता है वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, जैसा वर्णन आप कर पाते हो वैसा वर्णन देख कर, चर्चा की चर्चा तो वो करते हैं पर वैसा वर्णन देख कर देख क्यों नहीं पाता, मतलब देख के वर्णन क्यों नहीं मैं कर पाता, ये दर्द ये टीस उनके मन में है सुंदर साहब जी। अगला कल लेंगे, क्या उत्तर देते हैं प्यारे धनी श्री देवचंद्र जी प्राण पिया, क्या उत्तर देते हैं मेहराज जी को, हमारी प्यारी लाडली इंद्रावती जी की आत्म को क्या उत्तर देते हैं, आइए अब चलते हैं हमारी प्यारी अर्जी की ओर, मिलकर पिया से अर्जी करें सुंदर साथ जी। अब तो कहने का भी दिल नहीं करता क्योंकि पता है कि पिया सब देख रहे हैं, ये तो मुख से निकले हुए शब्द हैं सुंदर साथ जी, वो खोखले शब्द ना होकर
हृदय से आंसू निकलें वो कभी नहीं सूखते सुंदर साथ जी, ये आंसू पर सूख भी जाते हैं रो रो के, वो तो धनी के आने पे ही बंद होते हैं बस फिर आनंद में, पर उन आंसुओं में भी इतना आनंद है क्योंकि वो प्रोसेस है अक्षरातीत प्राण प्रियतम के पास ले जाने वाला जो प्रोसेस हो वो कितना मीठा होगा। सुंदर साथ जी एक बार नजर इधर से हटा के उधर करके तो देखिए कितना आनंद आता है, उस विरह की घड़ी में भी कितना आनंद आता है, कम से कम एक नहीं आधी नहीं एक चौथाई पल तो एकांत का आना ही चाहिए एवरी डे, एक चौथाई सुंदर साधी बहुत उसमें भी रीझ जाएंगे। प्रिया जी प्रणाम जी प्रणाम जी, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि किसी भी सुंदर साथ का हृदय फूल पाखुड़ी जितनी भी चोट जाने अनजाने लगी हो मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी प्रणाम जी। हाँ जी आज शांति देवी जी बहुत सुंदर अर्जी, प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी, हम जैसे तुम जीना करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी, जीव तो जीवे नहीं क्यों मीट दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किस कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी, सब वेद पिया जी सामरथ दिना रहे न जात रोए रोए, जन्म अंधेज मैं होती सो तुम देखनी के कर, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर, ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढीला करो तुम जी न जी, छछड़ा खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुलाही न जी, ए तियारज मैं तो करूं पिया जो बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतरायाड़ी टाली के दुलाली जी कंठ लगाए, कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी, वरण जय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुलही न पिया और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी, सदा सुख दाता श्री धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किस बात जी, श्री महामति उगल स्वरूप परवरी अंगना बली बली जात जी, सदा सुख दाता श्री धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किस बात जी, श्री महामति उगल स्वरूप परवरी अंगना बली बली जात जी, प्रिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मैं
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी प्रणाम जी। प्रणाम जी शांति आंटी। प्रणाम जी आपके चरणों में कोतान कोत प्रणाम। सुंदर साथ जी अभी अभी हम सुना चर्चा सुनकर जिसमें इतना प्रेम आता हो इतना विरह होता हो जिसके अंदर वही तो वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से चर्चा सुननी है कि आपके चरणों में कोतान कोत प्रणाम जी। अति सुंदर अति प्यारी भावों से सजाई हुई ये अर्जी या स्वीकार जरूर कर लेंगे बहुत बहुत जल्दी। और सुंदर साहब जी वो तो कर रहे हैं कर लेंगे क्या वो तो रोज स्वीकार कर रहे हैं। वो तो कहते हैं मेरे पास आओ मेरी प्यारी अंगना इतने शीतल तुमको सुख दूंगा प्रेम अग्नि के बाद इतने शीतल सुख दूंगा कि तुम्हें इस माया की एक क्षण भी याद नहीं आएगी। हम कहते हैं ना बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। तो कहते हैं तुम्हें मेरी कभी याद ना आए तुम्हें ऐसा घर मिले। तो सुंदर साहब जी वो ऐसा घर है अगर एक बार हृदय में बस गया ना इसकी याद नहीं आती फिर अपने आप ही छूट जाता है। ये भी नहीं माया के कार्य भी बहुत सुंदर होने लगते हैं कोई कमी नहीं रहती। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतना सारा प्रेम इतना दर्द प्रणाम जी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।